गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी विद्यार्थी हिंदी का काम ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक लिखकर हिंदी की कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी 8वीं द्वितीय भाषा का पाठ नंबर 7 करवाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है नवयुवकों के प्रति, जो पेज नंबर 32 पर है। यह कविता श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इसमें कवि ने नवयुवकों को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी है। इस कविता में नवयुवकों को शुभ कर्म करने पर भी जोर दिया गया है और साथ ही साथ भागवत धर्म का आचरण करने के लिए भी कहा गया है। चले बच्चे, पढ़ते हैं पाठ नंबर 7, कविता नवयुवकों के प्रति, पेज नंबर 32। कविता पढ़ने से पहले बेटा, इसका एक बार प्रसंग सुन लीजिए। ये पद्यांश कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नवयुवकों के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने नवयुवकों को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी है। पहला पद्यांश देखो बच्चे। हे नवयुवाओं, नवयुवाओं, नवयुवक, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है। मनुज, मनुज, मनुष्य, जीवन की तुम्ही में ज्योति, सब में जगमगी, जगमगी प्रकाशित। दोगे न तुम तो कौन देगा योग, देश उदार में, देश उदार, देश की उन्नति में, देश के विकास में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। देखो बेटा, इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि हे नवयुवको, आज सारे देश की नजरें केवल तुम्हारी ओर लगी हैं, सबका ध्यान तुम्हारी ओर है, तुमसे ही मानव जीवन की ज्योति प्रकाशित है। यदि आज तुम भी देश के उत्तार एवं विकास में अपना योगदान नहीं दोगे तो फिर इसमें कौन योगदान देगा। अर्थात ही नवयुवको, तुम इस देश के विकास एवं उद्धार में अपना योगदान दो। तुम ये ध्यान पूर्वक देखो कि आज संसार में क्या हो रहा है। कवि का कहने का भाव ये है कि नवयुवकों को देश के विकास के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरा पद्यांश देखो। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो, परिणित होता है बेटा बदल दो। सब बक्तन प्रहलाद की निम्नोकित को मन में धरो। निम्नोकित होता है बेटा नीचे कही गई, और भक्तवर होते श्रेष्ठ भगत। धरो मीने धारण करो। कुमार में ही भागवत, कुमार होता है युवावस्था, भागवत धर्माचरण, धर्माचरण होता है धर्म का आचरण करने वाला। नर जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ कठिन, और वह भी अधिक रहता है कहाँ। इसमें कवि कहता है कि हे नवयुवको, तुम अपने जीवन में जो भी पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, उसे कार्य में ही साथ साथ बदलो। तुम सब अपने मन में श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद की उक्ति को धारण करो, और अपनी युवावस्था में ही भागवत धर्म का पालन कर लो। मनुष्य जन्म बहुत कठिन है और वह भी बहुत छोटा है। यहाँ पर कवि का कहने का भाव ये है कि मनुष्य जन्म बहुत कठिन है और हमें इसी जन्म में रहते, इसी जन्म में अपनाते हुए भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। तीसरा पद्यांश देखो बेटा। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पथ रास्ता, असंयम होता है बेटा गलत रास्ता जो बुराई की तरफ लेके जाता है, और संयम का रास्ता होता है अच्छा सच्चा जो हमें अच्छाई की ओर लेके जाता है। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। अशुभ बुरा, शुभ अच्छा। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। कवि क्या कह रहा है कि हे नवयुवको, जीवन में असंयम यानी कि बुरे रास्ता और संयम अच्छा रास्ता, दो रास्ते हैं। ये सच है कि इसमें पहला अशुभ है और दूसरा शुभ है, परंतु मन तुम्हें अशुभ की ओर ही झुकाएगा। अर्थात तुम्हारा मन अशुभ पथ पर चलकर अशुभ कर्म करने की ओर दौड़ेगा। जब हम अशुभ रास्ते पे चलेंगे, गंदे रास्ते पे चलेंगे, तो फिर झूठ बोलेंगे और बुराई की तरफ अग्रसर होंगे। यदि तुम नहीं संभलोगे तो जीवन में फिर कभी भी नहीं संभल पाओगे, अतः तुम्हें जाग जाना चाहिए। कवि का कहने का भाव ये है कि नवयुवकों को शुभ कर्म करने
चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर चल सके। बच्चों, आज हमने कविता नवयुवकों के प्रति पढ़ी, जिससे पढ़कर हमें ये पता चला कि इसमें नवयुवकों को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरणा दी गई है। साथ ही साथ नवयुवकों को गलत रास्ते पर चलने के लिए रोका गया है, क्योंकि गलत रास्ता ही मनुष्य को गलत दिशा की ओर ले जाता है। नवयुवक इससे अपना बचाव शिक्षा और ज्ञान के द्वारा ही कर सकते हैं, तभी वे अपना तन मन और धन देश की रक्षा के लिए अर्पण कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिससे आपने इस वीडियो को सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने हैं। प्रश्न नंबर बेटा पहला है, इस कविता के कवि का क्या नाम है? प्रश्न दूसरा, यह कविता किन्हें संबोधित की गई है? प्रश्न नंबर तीसरा, हमें कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? प्रश्न नंबर चार, संयम शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर पाँच, असंयम शब्द का क्या अर्थ है? आपने इन प्रश्नों के उत्तर मेरी वीडियो को सुनने के बाद देने हैं, और साथ ही साथ अपने स्कूल का जो चैनल है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।